हरे कृष्णा कैसे हैं आप सभी आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि जब आप पहली बार शादी के बाद मायके जाओगे तो वो कैसे आपको रोकेंगे खुद से दूर जाने की ठीक है वैसे तो रोकना नहीं चाहिए लेकिन अगर वो आपको रोकते हैं या पूछते हैं कि कितने टाइम में वापस आओगे तो वो क्या क्या अटैम्प्ट कर सकते हैं जब उन्हें पता चलेगा आप मायके जा रहे हो तो उनकी क्या हालत होगी ठीक है सो so, ये yeah, आज की रीडिंग में देखने वाले हैं इसलिए टू पायल्स हैं पार वन अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है आप पार वन को सिलेक्ट करें देख लीजिए अच्छे से और अगर आपका बर्थ मंथ पार टू में से कोई एक है देन तो आप पार टू को सिलेक्ट करें ठीक है अपनी पायल देख लीजिए सेलेक्ट कर लीजिए अगर इंटरट्यूवली करना है तो इंटरटिवली भी कर सकते हैं मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में राधे राधे पहलवान चलिए देखते हैं आज की रीडिंग लेट सी कि आपके फ्यूचर पाउस आपको कैसे रोकेंगे जब आप उनको पता चलेगा कि आप मायके जा रहे हो और वो भी इतने दिन के लिए तो मतलब क्या क्या अटेम्प्ट ले सकते हैं आपको रोकने के लेट सी उनकी क्या हालत होगी जब उन्हें पता चलेगा इस बारे में सबसे पहले आप अपने ईष्ट देवी देवता भगवान का नाम ले लीजिए फिर उसके बाद हम रीडिंग को करेंगे शुरू तो पहले लेते हैं भगवान जी का नाम नाइट ऑफ बॉन्ड्स सिक्स ऑफ स्पर्ड्स एट ऑफ पेंटिकल्स नाइन ऑफ बॉन्ड्स फाइव ऑफ स्पोर्ट्स द चैरियट एंड वी हैव द फाइव ऑफ बॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ स्पोर्ट्स ओके ठीक है मैंने बॉन्ड्स पहले ही बोल दिया था खाड़ आने से पहले <laughs> चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग वैसे यहाँ फायर और एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है थोड़ी सी अर्थ एनर्जी भी है एरी एंड टॉरस वे कैप्रिकॉन ब्रेकवेरियस ठीक है बेसिकली जितना मुझे नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर्स पर उसकी हालत बेहाल हो जाएगी जब मुझे पता चलेगा कि आप माइक के जा रहे हो वो भी पूरे पाँच से छः दिन के लिए लगातार मतलब पूरा एक हफ्ता मान लो एक हफ्ते के लिए आप मायके जा रहे हो जब उन्हें इस बारे में मालूम होगा ना विद मतलब लर्निंग इन द सेंस उन्हें जब उनकी नॉलेज में ये बात आएगी जब उनके पता चलेगा कि ऐसा कुछ है तो आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना <laughs> ठीक है वो बहुत ज्यादा मतलब इतना शौक में चले जाएंगे ना एक वक्त के लिए कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि एक हफ्ता तो जैसे वो ये प्रॉब्लम को अच्छा, रोक रोक तो क्रिएट नहीं करूँगा मैं बिल्कुल सैड पपी फेस भी नहीं बनाऊंगा <laughs> लेकिन अब क्या है अब क्या हो रहा है ये अब क्या ड्रामे हो रहे हैं एक हफ्ता एक हफ्ते में तो मेरे क्या हो जाएगा पहले अपनी आदत लगवाओ फिर उसके बाद आदत को कहो कि टाटा बाय आदत हो चुकी से आप में कभी नहीं अपने घर हद हो गई तुम तो अपने घर रह रहे सकते मेरे बिना नीचे कर लिया रह सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है और अब तो मेरा मैं खुशी खुशी तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा देखना तो से ये तो बहुत अच्छी बात है बल्कि अच्छा है ना तुम मेरे साथ चलोगे मम्मी पापा को कितनी खुशी होगी और तुम भी मिलोगे उनसे दोबारा से तो कितना अच्छा लगेगा ना शादी के बाद पहली बार कितनी अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी है ना तो जैसे खुशी हो रहा है ना आपको के घुस अच्छा बताओ कितनी तो खुशी होगी मेरे को है कितनी खुशी होगी बताते हैं तो गुण करने लग जाते हैं और ना कुछ छोड़ नहीं रहे और कह रहे हैं कि ना ज्यादा बोलोगे ना फिर देख लूंगा मैं तुम्हें जाने दूंगा आप कहते तो क्या बोल रहे हो यार तुम अपने सेंसेस में हो तुम हाँ, मैं ना अपने सेंसेस में नहीं मैं नहीं हूं मुझे नहीं पता क्या चल रहा है ये यहाँ भी आप कह रहे हो ठीक है तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया मैं तुमसे बाद में बात करूंगी मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है ठीक है कोई बात नहीं मैं बाहर निकले अपनी उस जगह से जहाँ तुमने की बातें वगैरह हो रही होंगी और आपके पर्सन थोड़ा सोचा विचार करा और उन्होंने सोचा कि नहीं उन्हें ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था उन्होंने गलत रिएक्ट कर दिया ठीक है उन्हें आपके बिना अच्छा नहीं लगता है लेकिन आप भी तो अपना घर छोड़ के उनके लिए आए हो ना वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए तो सेक्रीफाइस किसका बड़ा ज्यादा आपका उस वक्त आपका ही है ठीक है तो इन्हें आपके उस डिसीजन में या डिसीजन क्या उस रिचुअल में या हम कह सकते हैं उस कर्तव्य में आपका साथ देना चाहिए ये आपका कर्तव्य था जो आपने निभाया नहीं तो उन्हें घर जमाई भी बना के ले जा सकते थे बहुत ऐसे होते तो यहाँ वो जब आप आए तो आप वो देख, देख के हंसने लग गए स्माइल करने लग गए और आप अपने कपड़े वगैरह बांध रहे हो अपने कपड़े वगैरह पैक कर रहे हो क्योंकि अगले दिन ही निकलना है ना और वो तो कहते हैं कि ऐसे घुटनों के बल ऐसे ऐसे आते हैं पे से और ऐसे ना जैसे आप अपने कपड़े पे ना अपने अपने कपड़े ऐसे पकड़ ले दो आपको हाथ ऐसे पकड़ लेता और कहते हैं लो मैं लगा देता हूँ मैं तुम्हारी बैग पैकिंग कर देता हूँ ठीक है अब आप अपने मायके जा रहे हो और आपकी ही वो बैग पैकिंग कर रहे हैं कितनी ज़्यादा पीड़ा उनको हो रही है <laughs> लेकिन वो नहीं कुछ कह सकते हैं उनको कोई कोई राइट नहीं तो है वक्त पे कह देगा ठीक है तो बस बैग पैक कर रहे हैं और ऐसे हंसाते हंसाते ना आप वो कहते हैं कि अच्छा ध्यान रखना ठीक है तो ऐसे ना जैसे कपड़ों पे ना उनके आंसू गिर रहे हैं आप कह रहे हो आपने देखा एकदम से अरे कपड़े कहाँ से गीले हो रहे हैं तो दिखा ना तुम अपना फेस दिखा नहीं रहे हो छुपा रहे गॉड आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा वो रोने लग गए हैं वो रोने लग गए आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा आप तो वो बैक साइड करा बैठे बोला बिल्कुल बच्चे बोली अरे क्या हो गया है अच्छा ठीक है जितने वक्त तक मैं वहां रहूंगी ना मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी ठीक है तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हारा सारा काम हो जाएगा अगर है, यार काम के थोड़ी याद करूंगा मतलब हर चीज ना काम पे लाया करो तुम रोते रोते बोल रहे हैं और कह रहे तो आपके याद करोगे फिर तुम्हें याद करूंगा तुम्हें तुम्हें ठीक है काम तो मैं अपने खुद भी कर लूं, शादी से पहले खुद करता था ना तो अब भी कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें ही याद करूंगा तुम्हारे साथ बिताया हुआ जो इतना वक्त है उसे याद करूंगा ठीक है तुम अपने घर जा रहे हो लेकिन तुम मुझे पहले ही नहीं बता सकते थे तुम्हें एक दिन पहले ही मुझे बताना था अब कह रहे हो कि अभी प्लान बनाए कि मैं अभी आ जाऊं तो बताओ मैं एकदम से कैसे बताती और मैं खुद इतनी एक्साइटेड थी मैं तुम्हें बताने ही भूल गई। दो दिन तीन दिन पहले प्लान तो याद नहीं रहता ना। आपके पता है, आपके तो हाँ वो और चिढ़ जाते हैं अच्छा जी पूरे घर को मालूम है लेकिन मुझे कोई मालूम नहीं है और मैं इतने दिन से सोच रहा हूँ दो दिन से मई उसी दिनों से कि सब मेरे से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि तू ठीक है या फिर तू कुछ ले जाइयो हो कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले लियो तुम्हारे घर वालों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि किस लिए गिफ्ट्स लेने हैं क्या कोई ओकेजन आ रहा है और मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बात है तो कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है तो पता नहीं क्यों ऐसा सा वियर्ड रिएक्ट कर रहे थे गिफ्ट्स वगैरह ले लेना ऐसे खाली हाथ मत जाना मैं पूछ रहा हूँ तो कोई भी हंस हंस के आंसर ही नहीं कर रहा है बोला ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कोई नाटक कर रहा हूँ कोई बड़े बियर्ड सा फनी सा रिएक्ट कर रहे हैं आप समझ आए कि सब मेरे मजे ले रहे थे और आप समझ आए कि वो गिफ्ट की क्यों बात कर रहे हैं आप पर्सन के सामने सॉरी करते हो बोला कान पकड़ के आप कुछ छोड़ ना छोड़ना यार ऐसा मत करो कि पर्सन कह रहे हैं। ऐसा मत करो कान पकड़ने की जरूरत है नहीं यार तुम मेरे कान पकड़ लो लो मेरे कान पकड़ लो और मुझे ना यही सारी बातें तुम्हारी याद आएंगी पूरा एक हफ्ते तक यार ये एक हफ्ता तो है लेकिन ये एक-एक दिन कैसे निकालूंगा पता नहीं चलेगा सही में कुछ नहीं समझ आ रहा कैसे निकालूंगा लेट्स सी आगे की एनर्जी क्या आती है आगे की एनर्जी के लिए और कार्ड्स देखते हैं बैंगमैन So, यहाँ से जो मुझे एनर्जी आ रही है आप उन्हें काम डाउन कराते हो आप उन्हें हंसाते हो और उन्हें सिचुएशन समझाते हो कि अगर ऐसा तुम्हारे साथ तुम एक्साइटेड नहीं होते बताओ फिर होता लेकिन यार बस मुझे यही तो बार बार टाइम नहीं मिला ये हो गया वो हो गया जब बताने आई तो तुमने ही कहा कि काम है ये है, वो है या फिर तुम रोमांस करने लग गए तो फिर मैं रोमांस के बीच में थोड़ी ये सब बताती तुम्हारा मूड खराब हो जाता ठीक है और तुम ऐसे कह रहे हो ना आगे देखे जा रहे होंगे घूमे जा रहे होंगे और वो ना

क्योंकि ना बस बाहर था जा पे और आगे बुर से था क्या करते हैं मतलब ऐसे कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि छोड़ो यार सांस नहीं आ रही थी मेरे को मतलब सही में घर जाने का प्लान है मुझे मारने का प्लान है मैं वैसे ही मरा पड़ा अधमरा हो रहा हूँ <laughs> अधमरा हो रहा हूँ इस बात को सुनकर और ऊपर से मेरे को तुम और मार रहे हो यार दैट्स नॉट पर और रोने लग जाते हैं और ऊपर से कह रहे हैं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल सीने से लगा लिया और अभी कह रहे हैं आपके सीने पे अपना हाथ रखते हुए अपना सर रखते हुए कि कोई बात नहीं तो मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ कर आऊँगा और मैं खुद ही तुम्हें तो लेने आऊंगा ऐसा नहीं कि तुम अपने फिर किसी से कह दो कि मुझे छोड़ दो नहीं मैं ही तुम्हें तो ड्रॉप करूंगा मैं ही तो मैं रिसीव करूंगा ये वादा करो तुम तो से आप कह रहे हो पक्का वादा तो जैसे अगले दिन आप जाने वाले होते हो ना तो यहाँ वो कहते हैं पहले बैग आपका रख के आते हैं और किसी बहाने से ना फिर दोबारा से आपको रूम में ले आते हैं और वो कहते हैं कि अभी बस पाँच मिनट रुको पाँच मिनट आपको रुक आता है आपकी आंखें बंद कर देते हैं और आपको ना बिल्कुल ना रस्सी से या फिर किसी चीज से आपको बांध देते हैं जिससे कि ना आप दूर ना जा सके या फिर पीछे से आपको पकड़ के ना आपके फेस पे इतनी सारी किसेस वो आपको देते हैं इतनी सारी किसेस कि लिटरली आपको अपना मेकअप चेक करना पड़ता है या फिर आपको अपना फेस चेक करना पड़ता है कि कहीं से बिगड़ा तो नहीं है <laughs> और याद आपको ऊपर कह रहे हैं कि ये किसेस ना हर एक दिन के लिए है छः दिन के लिए जा रहे हो किसिस ना तो छः किसेस मैंने तुम्हारे फेस पर दी है कि एक एक किस से काम चला लेना और ये याद रखना कि मैं तुम्हारे ही पास हूँ ठीक है मेरा जो एहसास है वो तुम्हारे ही संग है और वादा करो तुम जल्दी आ जाना छह नहीं तो या पांच दिन में आना आपके तो बता दूंगी अच्छे को कहता कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, है। तुम्हें तो जितने दिन के लिए जाना है लेकिन जाना लेकिन जल्दी आ जाना ठीक है लेट मत करना ओके तो आप उन्हें बिल्कुल उनके गालों को ऐसे खींच लेते हैं और से गालों को कहते हैं बस यही जो तुम्हारी अदाए है ना यही हमें याद आएंगी और इन्हीं इन यादों में हम अदबरे रहेंगे <laughs> हम पूरे जिंदा तभी होंगे जब तुम आओगे हमारे पास ठीक है अच्छे से एंजॉय करके आओ और चलो चलते हैं तो मतलब उनकी ना हालत बिल्कुल ऐसी हो जाएगी छोटे बच्चे की तरह मतलब जब आप उन्हें एक दिन पहले लिटरली बताओगे ना उनकी हालत खराब हो जाने वाली है उन्हें बहुत बुरा लगने वाला है वो या तो वो रोएंगे या फिर ना वो ना जाएंगे ही बता देते एक दिन पहले भी क्यों बताया तुमने इतना भी क्यों मुझ पर उपकार कर कल ही बता देते जब जाने वाले होते है ना मैं ड्राइवर बन के तुम्हारे साथ चल लेता फिर तो आप मतलब इस तरीके से कर सकते ड्रामा क्रिएट So yeah, बहुत रब, बड़े ड्रामेबाज होंगे आपके पर्सन लेकिन होंगे दिल से बड़े बच्चे से बड़े प्यारे से और होंगे आप ही के तो ये थी आज की रीडिंग अगर अच्छी लगी हो लाइक से कॉमेंट जरूर करिएगा अभी के लिए बाय टेक केयर जय श्री राधे कृष्णा राधे राधे पाल टू चलिए देखते हैं आज की रीडिंग सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस को जब पता चलेगा कि आप जा रहे हैं राधे राधे पालचू चलिए देखते हैं आज की रीडिंग लेट्स सी कि आपके फिश बॉक्स को जब पता चलेगा तो क्या आप माइक के जा रहे हो उनकी क्या हालत होगी क्या हाल बेहाल होंगे क्या ड्रामे क्रिएट करेंगे आपको रोकने के लिए वैसे तो नहीं रोकना चाहिए ठीक है लेकिन वो क्या करेंगे ऐसा अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे वो चलिए देखते हैं सबसे पहले आप अपने इस देवी देवता का नाम ले लीजिए फिर हम आप उनसे आग्रह करिए अपने भगवान जी से जिससे कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आए ठीक है ये सब जानने के लिए भगवान जी से आग्रह करिए और एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम जस्टिस अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का <laughs> ये सॉन्ग आ रहा है मतलब पैल पर भी बहुत फनी आया था और आप में भी एक बहुत फनी एनर्जी आ रही है ठीक है लेकिन एनर्जीज बहुत अच्छी हैं इस पायल की उसमें तो बहुत ज़्यादा रोकना रोकना वगैरह था लेकिन इसमें बहुत अच्छी एनर्जीज हैं द मून आई <coughs> थिंक सबसे पहले तो ना उन्हें झटका लगेगा एकदम से वो इस मोमेंट के लिए प्री प्रिपेयर्ड होंगे पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे कि ऐसा तो होगा ही कि वो आप पहली बार जब मायके जाओगे तो ज़्यादा दिन के लिए ही जाओगे शादी के बाद तो यार बनता है और जब उन्हें ये पता चलेगा ना तो ऐसे सुनेंगे कुछ बोलेंगे नहीं बस आप कहोगे क्या कहीं आवाज़ चली गई तुम्हारी क्या हुआ भाई क्या आवाज नहीं है कहेंगे कि हाँ आवाज तो रही है मेरी मुंह तो, में बड़बड़ाएंगे बड़ फिर तो, क्या क्या बोला तुमने अगर क्या बोला मैंने कुछ भी नहीं बोला तुम्हें जाना है तो जरूर, जरूर जरूर जाओ यार तुम्हारा घर है तुम जरूर जाओ आप कह रहे हो कि तुम नहीं चलोगे साथ ही चलूंगा लेकिन वहां रह नहीं सकता ना अच्छा नहीं लगता ऐसे तो फिर से किसने कहा रह सकते हो आपकी यहाँ का भी तो संभालना है ना कोई यहाँ भी तो होना चाहिए दोनों ही साथ चलेंगे चल तो तो हाँ, तो अच्छा, इस बारे में कट कट करे जा रहे हैं और के तो के आपको थोड़ा तो शौक सा लगा आपको लगा कि शायद कुछ एक्सप्रेस इमोशनल लेकिन उन्होंने करा नहीं जैसे आप जाने लगे ना आपका हाथ पकड़ लिया और आप पूरी तरह खींच लिया और कह रहे हैं तो क्या लगता है क्या मुझे फर्क नहीं पड़ रहा इतने दिन के लिए जा रही हो और मे भी वो बहुत दिन के लिए जा रहे हो आपका अगर ससुर आपका मायका अगर काफ़ी दूर होगा ना तो ऑलमोस्ट ये दस पंद्रह दिन के लिए एक साथ अब जा रहे होगी या अगर आपको शादी के बाद काफ़ी टाइम बाद आपको मौक़ा मिला होगा ना पहली बार तो आप फिर महीने के लिए जा रहे होगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा महीना सवा महीना कुछ लोगों के लिए आ रहा है इतने दिन के लिए ठीक है तो जैसे उन्होंने आपको पकड़ा आपके ना हाथों को ऐसे पकड़ के देखने लग गए मैं ना हाथों को मिस करूँगा मैं इस टच को मिस करूँगा मुझे तो मेरी याद आएगी आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना लंबा वक्त मैं कैसे तुम्हारे बिना बिता सकूंगा अच्छा एक सच्ची बात बताओ तुम्हें तुम्हें सिर्फ खुशी है या हल्का सा गम भी है पर से वाली खुशी ही है गम तो क्या ही होगा हमको <laughs> ऐसे करते हैं आपके चेहरे पे ऐसे वारते हैं ऐसे करके हल्का सा और ऐसे हम कर लेते हैं कहते हैं बताता हूँ तुम्हें बहुत प्यार से ना आपके नोज को किस करते हैं और कहते हैं कि यार तुम कितने कितने क्यूट हो हो ना सही हुए जल्दी क्यूटली झूठ बोल देते है ना आंखों में आंखें देख के क्या ये निंजा टेक्निक है तुम्हारी लेकिन तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता है इसलिए निंजा टेक्निक वही फेल हो जाती है आप उनके गले लगे हो और ऐसे गले लगते लगते आप तुम्हें झूम रहे हो ठीक है ऐसे ऐसे हो रहे हो और कह रहे हैं कि और सब समान ले लिया अच्छा आप ट्रेन से जा रहे होंगे या फ्लाइट से जा रहे होंगे वो आपको छोड़ने तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि तो आप काफ़ी दूर रहते होंगे दैट्स वाई और अगर आपको वो छोड़ सकते तो छोड़ देंगे ठीक है तो जैसे मतलब मान लीजिए मुझे यहाँ ट्रेन की एनर्जी आ रही है तो पूछेंगे कि टिकट्स वगैरह कहाँ हैं दिखा दो बुकिंग वगैरह तुमने सब आपने कर लिया होगा मैनेज ऊपर से कह रहा है कमाल है ना अपना अपने घर जाने के लिए तो तुम खुद अपने आप सब कुछ कर लेते हो लेकिन जब काम कुछ और होता है हैं? जब ऐसा लगता है कि मेरी जरूरत तो सारा काम मुझ पे डाल देते हो मेरे से बुकिंग लेते मेरे से कुछ बता देते नहीं सब कुछ ही अपने आप कर लिया कुछ तो मेरे लिए काम छोड़ते तो कुछ तो हमें भी सेवा का मौका देते अपनी आपके ऊपर बहुत सेवा कर ली अभी तुमने अभी तुम्हें रेस्ट दे रहे हम जाओ आगे बढ़ से कह रहे मैं ना तुम्हें तो बता दू मैं तो बोलोगे तो तू हाँ नहीं तो मतलब ये क्या बात होती है यार कुछ तो मौका दो ना इतने टाइम के लिए जा रही हो तो एटलीस्ट एटलीस्ट इतना ही मेरे को हक दे देते कि मैं तो तुम्हारी ट्रेन की टिकट बुक करवा देता है इतना भी नहीं समझा मुझे हाँ सब कुछ अकेले ही कर लिया तुमने तो चढ़ जाते हैं अब आप आपसे थोड़े दूर हैं दूर जाके बैठे हैं आपने पीछे से पकड़ा और आम ना उनके नेक पे ऐसे ऐसे सर लगा लिया आपने उनके नेक से अपना ठीक है ऐसे अपने ना फेस लगा लिया पूरा फ्रंट साइड से अपना फेस उनके नेक पे आपने लगा लिया और उनको आपकी सांसें महसूस हो रही हैं और ऐसे करके उन्होंने आपके सर पे ऐसे करके हाथ रख लिया तो यहाँ वो कह रहे हैं कि सच में यार बस ये जो पल मैं तुम्हारे साथ बिताता हूँ ना और इतने वक्त से जो हम बिता रहे हैं ये पल सच में बहुत याद आएंगे कैसे होगा यार गुजारा तुम्हारे बिना कैसे होगा तो जैसे आपने उन्हें पकड़ा ना आपको ऐसे लग रहा है कि उन्हें बुखार है तो आप कह रहे हो कि तुम्हें बुखार है आपके पर्सन तो आप कह रहे हैं नहीं तो आप कह रह रहे हो झूठ बोल रहे हो आप उनका देखते हो टेम्परेचर चेक करते हो तो सच में उन्हें हल्का सा बुखार होगा या बुखार होने की हाथ पे होगा तो आप कहते हो मैं नहीं जाती आपके पर्सन कह रहा नहीं तुम जाओ अच्छे से जाओ और ये मैं सोचूंगी मेरा क्या मैं अपना हाँ पूरे अच्छे से ध्यान रखूंगा तो मुझे पता है तुम्हें अच्छा लगेगा तब जब मैं खुद का ध्यान रखूंगा है ना अच्छा लगेगा ना आपके तो हाँ अच्छा लगेगा लेकिन मेरा लेकिन वेकिन कुछ नहीं जाना है इंजॉय करना है लेकिन अगर मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ कॉल कर रहा हूँ तो तुम्हें उसे पिक भी करना है चाहे तुम वॉशरूम में क्यों ना बैठे हो मुझे नहीं पता तुम्हें वॉशरूम से बाहर निकल के क्यों ना आना पड़े फोन पिक करने के लिए मुझे नहीं पता तुम्हें आना पड़ेगा अगर तुम इस चीज़ की गारंटी देते हो तो गारंटी है पूरी गारंटी है ठीक है तो आप फनी बातें कर रहे हो ना आपके ना मायके से कॉल आ जाता है और फिर आप बिजी हो जाते हो कॉल वगैरह करने में बातें वगैरह करने में इतने वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आज की नाइट को स्पेशल बनाया जाए अभी आप कल तो जा ही रहे हो तो कैसे थोड़ा सा स्पेशल करा जाए इस नाइट को नाइट स्पेशली कैसे स्पेंड करा जाए जिससे कि जब आप जाएँ तो एक अच्छी याद लेकर जाए ना एक अच्छी मेमोरी साथ लेकर जाएं जिससे कि फिर आप खुश खुश लगें अच्छे अच्छे लगें आपके पेरेंट्स को और भी खुशी हुई आपके दे, आपको देख आपको देखकर शादी के बाद पहली बार वो भी इतने टाइम बाद ठीक है तो जैसे ही आप रूम में आए पूरा वही डिनर टेबल वाला सेट वेट कर दिया आज मतलब अपने रूम में आराम से आप दोनों खाना खा रहे हैं और पूरा सेट वेट कर दिया बहुत अच्छे से लगा दिया जैसे जो भी अरेंजमेंट्स उनके पास होंगे कैंडल वगैरह होगी या फिर कुछ भी होगा अच्छी अच्छी प्लेट्स होंगी ठीक है अच्छे अच्छे कटेरीज होंगी अच्छे अच्छे अगर कुछ आ, आ, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं वही अगर हो या रियल फ्लावर्स जो होते हैं वो है तो कैसे ना किसी घरों ने सजा दिया होगा और कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी करी होगी तो अगर तो अरे वाह आज तो वही तुमने तो मुझे डिनर डेट पे तुम लेकर जा रहे हो हैं तो आगे पर्सन कह रहा है मोस्ट वेलकम माय लॉर्ड माय लॉर्ड या माय हाइनेस जो भी वो बोल रहे होंगे ठीक है आपको वो लाते हैं बिठाते हैं आप दोनों अच्छे से अपना डिनर वगैरह खाते हैं और उसके बाद आपके पर्सन कह रहे हैं चलो अब थोड़ा सा थोड़ा सा रोमांटिकली थोड़ा सा डांस करते हैं तो ऐसे एक कपल डांसर आप दोनों कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा झूम रहे हैं किसी गाने पर ठीक है मैं जरूरी नहीं कि वो वैसे ही कपल डांस कर रहे हैं जैसा होता है एक दूसरे के कमर में ऐसे हाथ डाल के आप दोनों थोड़ा सा ऐसे स्विंग कर रहे हैं ठीक है और थोड़ा सा आ, मतलब इंजॉय कर रहे हैं जिस भी तरीके से कर रहे हैं झूम झूम के हंस हंस के एक दूसरे को हंसा कर गा कर ठीक है ड्रामे करके एक दूसरे की नकल उतार के तो जैसे वो बेड बैट पे बैठते हैं आप बैठते हैं आपके पर्सन आपके बालों को पीछे से बंद करते हैं और एकदम से ना आपके गले लगते हैं और आपको पीछे से ना ऐसे छेड़ने लग जाते हैं इस तरीके से और जैसे इस तरीके से आपको छेड़ रहे हैं ना आपको लग रहा है जैसे वो आपके साथ अभी कुछ करेंगे लेकिन वो कुछ करते नहीं वो जस्ट आपको ऐसे छेड़ कर आपके कंधे पर ऐसे हाथ लाते हैं और आपके फेस के बिल्कुल सामने आकर आपके माथे को चूमते हैं और आप आपका मतलब जैसे अगर जैसे आप हिंदू हैं तो आपकी माँ को ऐसे टच करके आपके सिंदूर को हल्का सा आपकी नोज पे लगा देते हैं हल्का सा और कहते हैं कि सच में तुम बहुत खूबसूरत हो बहुत ज़्यादा और मुझे ना तुम्हारी ये छवि की बहुत याद आएगी परचुअली तो मिलेंगे लेकिन डायरेक्टली कब होगा पता नहीं तो आप कहते हो मैं कोशिश करूँगी जल्दी आ जाऊँ क्या पता जल्दी आ जाऊँ लेकिन लेट नहीं करूँगी ठीक है तो यहाँ आपका माथा चूम के आपको बहुत प्यार से सुलाते हैं थोड़ा सा वॉक वगैरह आप कर लेते हैं ठीक है एंड थोड़ा सा फिर आपको सुलाते हैं बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं स्टोरीज सुनाकर आपको सुलाते हैं और कहते हैं कि जल्दी उठ जाना कल ट्रेन है जाना है हमें तो जैसे ही ट्रेन में छोड़ने आपको आते हैं उनकी आंखों में ना वो आंसू भरे नजर आते हैं लेकिन वो आपके सामने बहाते नहीं है मतलब इतना दिल कैडा करके वो आते हैं ना कि आपके सामने रोना नहीं है नहीं तो आप जा नहीं पाओगे ठीक है तो वो रोते बिल्कुल नहीं है और आपको बहुत अच्छे से आपको आपके जर्नी के लिए आपको बेस्ट विशेष गुड लक विशेज देते हैं और आपको बाय बाय टाटा बोलते हैं ठीक है तो ये इस तरीके की रीडिंग आई है कि हाँ बहुत अच्छे नेचर के वो होंगे बहुत सुलझे हुए होंगे बहुत ज़्यादा ड्रामे नहीं करा करेंगे इस तरीके से वो आपके साथ अटकेलियाँ करते हैं और आपको अच्छे से विदा करते हैं आपके ससुराल आपकी, आपकी मायके के लिए सो so, आज की रीडिंग ये थी आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी बहुत छोटू सी रीडिंग थी अगर अच्छी लगी हो सो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर करिएगा अभी के लिए बाय टेक केयर जय श्री राधे कृष्णा